भिलाई सेक्टर 8 के एक निजी स्कूल में जीई फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता रंगों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी कमिश्नर दुर्ग संभाग श्रीमती मोनिका कावड़ो व विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा शामिल हुए। जीई फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों के चित्रकला प्रतिभा को निखारने एवं उनकी कला को मंच देने के लिए प्रतिवर्ष रंगों की उड़ान का भव्य आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन काफ़ी हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें प्रदेश के 9 दिव्यांग स्कूलों के 75 से अधिक बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। खास तौर पर भिलाई दुर्ग और धमतरी के दिव्यांग स्कूलों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इन दिव्यांग बच्चों ने दिव्यांगता की सारी बाधाओं को पार करते हुए बेहतरीन पेंटिंग भी बनाई, जिसका मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों ने अवलोकन कर बच्चों की प्रशंसा की। साथ ही चित्रकारों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान भी किया। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया में इन दिव्यांग जने हेतु हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया। ये जो कार्यक्रम है, ये सामान्य कार्यक्रम से अलग कार्यक्रम है। ये मेंटली डिसेबल्ड लोगों के बीच का कार्यक्रम है और जी फाउंडेशन इस कार्यक्रम को लगातार कई वर्षों से करता आ रहा है और इस कार्यक्रम में अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराने में अपने आप को गौरव होता है कि हम ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जो मानसिक स्पर्श है उसको हम छू पाते हैं कि उनके दर्द में हम शामिल होकर उनको उत्साह से भर पाएँ। इसके लिए जी फाउंडेशन के प्रति अपनी हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि वो इतने तन्मयता से इस कार्यक्रम को करता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन बच्चों को अवसर देता है जिनको अवसर शायद उपलब्ध नहीं है। सहायता नहीं बोलना चाहिए, इनको सहायता शब्द से जोड़ना एक अच्छा शब्द नहीं है। सहायता नहीं, इनको इनकी उपलब्धता से जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये अपनी अभिव्यक्ति को बहुत कम जगह में व्यक्त कर पाते हैं, तो इनकी उपलब्धता के लिए क्या क्या आवश्यक है इनमें शामिल होकर अपने को एहसास करने के बाद इनको हम सहयोग करना चाहिए। जी फाउंडेशन की संयोजक पूजा तिवारी ने आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं जी फाउंडेशन से पूजा तिवारी। आज यहाँ BNS स्कूल में रंगों की उड़ान एक कार्यक्रम हो रहा है जो जी फाउंडेशन हर वर्ष संचालित करती है। रंगों की उड़ान दिव्यांग बच्चों के लिए एक पेंटिंग कंपटीशन है। दिव्यांग बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर हम दिव्यांग बच्चों के साथ कुछ स्कूली बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। उसके बाद हम इसे नेहरू आर्ट गैलरी में 22 और 23 तारीख को 2 दिवस में इसे डिस्प्ले करेंगे। ये आज हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं इसमें मोनिका कावड़ो मैडम, डिप्टी कमिश्नर मैम मोनिका कावड़ो मैम रही हैं, वशिष्ठ सर रहे हैं जो कि पार्षद रहे हैं, पार्षद हैं भिलाई के, BNS स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट सर हैं और भी बहुत सारे BNS स्कूल के जनरल सेक्रेटरी और भी विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। आज हमारे जी फाउंडेशन में जो रंगों की उड़ान है उसमें 10 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। 10 स्कूल के बच्चों के पार्टिसिपेशन में 90 प्लस बच्चों का योगदान रहा है। साथ ही ये सारे बच्चे कुछ दिव्यांग हैं, कुछ डेफ एंड डम हैं, कुछ ऑटिस्टिक हैं, साथ में कुछ नॉर्मल बच्चे भी हैं। रायपुर के, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए रॉबिन अमल ठाकुर की रिपोर्ट।